हाँ तो दोस्तों और सेटिंगो, हाँ तो आज का मैच शुरू होने वाला है यहाँ पर आईपीएल 2023 में, जो कि आरसीबी टीम और आरसीबी के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फाइनल मैच में पहुँच चुकी है। देखते हैं आज का मैच बहुत ही शानदार होने वाला है। और यहाँ पे देखते हैं कि खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी टॉस होने वाला है, टाइम तो हो चुका है टॉस का, चलो टॉस करते हैं। हाँ तो हमारे बीच यहाँ पर MS धोनी, कैप्टन कूल चेन्नई सुपर किंग्स के, और विराट कोहली पधार चुके हैं। और हम और ये अजय देवगन का विमल पान मसाले से टॉस होगा। तो आइए ये बताइए, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, ये भोजड़ी का। ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे टॉस उछालते हुए, और ये पान मसाला हवा में लहराता हुआ, और ये हिंदी, यहाँ पर विराट कोहली, यहाँ पे हिंदी आया है, हिंदी, यहाँ पे विराट कोहली टॉस जीत चुके हैं। और ये बताइएगा आप, हम बैटिंग करेंगे बेंच बैटिंग करेंगे बेंच। वैसे भी डिप्शा की इस पावन जमीन पे कभी भी टॉस जीत के फील्डिंग किसी ने नहीं किया है, यहाँ पे बैटिंग लेते हैं सब। ये डिप्शा गांव का रिकॉर्ड है यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों, पापा की परी के डांस के साथ यहाँ पर आरसीबी की टीम उतरती हुई मैच में, और ये विराट कोहली और फाड़ू खेलने के लिए उतरे हैं, और ये एक्सरसाइज करते हुए लगता है बहुत ही मारेंगे आज। और ये चड्डी दिख गई विराट कोहली की थोड़ी सी यहाँ पर, और ये बैट मिला के जाओ उधर से खेलो, विराट कोहली बोल रहे हैं आज उधर ओपनिंग करेंगे विराट कोहली। चेक कर रहे हैं पिच को कि पिच में कोई गड्ढा वड्डा तो नहीं है, लेकिन ये डिप्शा की पिच है, एकदम हाईवे की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पिच में, इतनी खूबसूरत पिच है। और ये रहाने बॉल पर लेके आए हैं अपना, और पहली बॉल पर विराट कोहली ने फड़ा दिया बल्ला, और ये बॉल जा रही है, फील्डर मौजूद है यहाँ पे, और ये फील्डर से मिस फील्ड हुई, और ये 4 रन ये छमिया के डांस के साथ। और अगली बॉल आती हुई विराट कोहली ने फिर बैट चला दिया है, क्या बात है, क्या प्लेड की है, फिर से 4 रन, क्या कर रहे हैं विराट कोहली आज, 4 रन दिए जा रहे हैं। लगता है कि धोनी ने रहाणे को ओवर देके गलती कर दी, क्योंकि रहाणे खिलाड़ी है बॉलर नहीं, इसलिए विराट कोहली उनके चौके मारे ही जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कितने चौके मार दिए एक ओवर में, 6 चौके मार दिए है, कमाल की बल्लेबाजी की है। और अब फाफ डू प्लेसी आए हैं बैटिंग करने के लिए, और फाफ डू प्लेसी तैयार है, ओ बड़ा शॉट खेला यहाँ पर पहली बॉल पे ही, और ये बिल्कुल 6 है 6 है। और ये छमिया का फाफ डू प्लेसी के लिए 6 डांस, और ये कमर मटकाती हुई हमारी छमिया, क्या लग रही है, वाह। और ये अगली बॉल आती हुई, और ये मार दिया फिर से छक्का, फाफ डू प्लेसी छक्कों ही छक्कों में डील कर रहे हैं, जैसे विराट कोहली ने 4 रन लगाए थे वैसे ही। और ये क्या, धोनी ने विकेट के आगे आके बॉल पकड़ा है और गांड दिखा के वापस पीछे चले गए हैं, ऐसे कौन फील्डिंग करता है, ये नकली धोनी कहाँ से आ गया। और यह ओ बड़ा शॉट खेला है आगे बढ़ के फाफ डू प्लेसी ने, लेकिन ये बैट को जिस तरह से पीट रहे हैं नीचे, लगता है गलत शॉट खेल बैठे हैं, नहीं काफ़ी बड़ा शॉट था, लेकिन यहाँ पर अच्छा फील्डिंग है पर्ड, अब देखना होगा, एम्पायर ज़रूर चेक करना चाहेंगे, हाँ चेक कर रहे हैं एम्पायर की यहाँ पर छक्का है या कैच आउट है। और यहाँ पर ये हवा में है खिलाड़ी, बॉल को टच किया है, वापस अंदर आए हैं, और ये बिल्कुल बॉल्ड है, फाफ डू प्लेसी 49 रन बना के आउट हो गए 14 बॉलों पे। और ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी डिविलियर्स आए हैं खेलने के लिए, क्या बात है, अभी डिविलियर्स आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए, लगता है 360 डिग्री वाला मैच आज देखने को मिलेगा। और ये अगली बॉल अभी डिविलियर्स के लिए आती है, और ये क्या, अभी डिविलियर्स आराम करते हुए मार रहे हैं बैठे बैठे, कमाल का चौका मारा है, फिर से अगली बॉल है डिविलियर्स को, ये क्या है डिविलियर्स ने औंधे पड़ के मारा है, ये क्या गांड दिखा के शॉट मार रहे हैं डिविलियर्स, छक्का मार दिया है, ओ डिविलियर्स का फिर से एक और छक्का, ये 360 डिग्री में नहीं खेल रहे हैं, ये है 420 डिग्री में खेलने वाला प्लेयर, 320 में तो ओरिजिनल है डिविलियर्स खेलते हैं, ये तो 420 में खेल रहे हैं। और यहाँ पर विराट कोहली, ओ विराट कोहली का फिर से एक शानदार चौका,
और ये शतक तो हो ही गया था विराट कोहली का, लेकिन ये क्या हुआ? अब एम्पायर चेक कर रहे हैं, धोनी ने मांग की यहाँ पर रिव्यू की। ओ यहाँ पर रिव्यू लेते हुए फ्लैट लाइन फ्लैट लाइन फ्लैट लाइन है, लगता है नॉट आउट है, लेकिन क्या पता इस मैच में सट्टा लगा हो और विराट कोहली को आउट कर दिया जाए। ओ नो, लाइन आ गई है यहाँ पर, टच है और विराट कोहली 100 रन पे आउट हो चुके, बिल्कुल 70 बॉलों पे 100 रन बना के आउट हो चुके, बिल्कुल सट्टा था लेकिन लास्ट बॉल थी, कोई फर्क नहीं पड़ता आउट होने का। आरसीबी का टोटल स्कोर आपने देख ही लिया, 270 रन चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को। बैटिंग आ चुकी है, समिया के डांस के साथ शुरुआत करेंगे और ये चेन्नई के खिलाड़ी को बॉल करते हुए विराट कोहली पहली बॉल। और ये क्या क्रिस गेल है क्या ये? ओ चौका मार दिया है क्रिस गेल ने और सीधा कैमरेमैन को जाके पड़ा है कैमरे पे। विराट भाई ये गेल कहां से आ गया? अरे खेलने दो खेलने दो। अबे ये तो बाहर था ना, संन्यास ले लिया इसने। अरे, तो आई एम कोहली, टेंशन मत ले। साले चल गया ना, गांड को कर देगा पोली। और ये बॉल आती हुई क्रिस गेल के लिए, और ये बड़ा ही ढीला खेलता है क्रिस गेल, इतना ढीला क्रिस गेल नहीं देखा मैंने, फिर भी चौका पड़ गया। ओ वापस बहुत ही ढीला क्रिस गेल है, ये तो क्रिस गेल नहीं है तो। ओ फिर से कैमरामैन को शॉट पड़ा और ये फास्ट बॉल आती है क्रिस गेल की, गांड फट गई और पीछे मुड़ गए। ये क्या है, ये क्रिस गेल को रिटायर्ड कर दिया गया है यहाँ पर धोनी के द्वारा, रहाणे को उतारा है क्योंकि वो फट्टू क्रिस गेल था। और रहाणे देखते हैं, रहाणे टेस्ट प्लेयर है लेकिन इसको धोनी ने क्या सोच के भेजा है समझ नहीं आ रहा। बहुत रन चाहिए और इसको भेज दिया है यहाँ पे। ओ यहाँ पर आते ही चौका रहाणे ने, ओ फिर से एक और चौका रहाणे को, इतना मार तो हुआ नहीं देखा कभी। ये क्या फिर से छक्का, ओ नो, ये रहाणे तो T20 प्लेयर का भी बाप बन चुका है, टेस्ट प्लेयर नहीं है रहाणे, ये किसने बोला टेस्ट प्लेयर है? ये तो आते ही मार रहे हैं धोनी के, यहाँ पर अच्छी साजिश है या फिर इस मैच में बड़ा ही कमाल का सट्टा लगा है कि टेस्ट प्लेयर भी यहाँ पर मार रहे हैं छक्कों पे छक्के। ओ फिर से बड़ा शॉट खेला है, फिर से छक्का, ओ फील्डर के ऊपर से निकल गई बॉल, क्या माल का खेल रहे रहाणे, 199 में अगर खेल रहे 200 होने वाले। ओ 200 पहले आउट हो गए, यहाँ पर कट लग के आउट हो गए हैं, फावड़ू के हाथ में कैच थमा बैठे हैं। और ये छमिया का डांस क्योंकि 199 पे आउट हुए रहाणे। ओ क्रिस गेल ने फिर मारा है 77 रन पे, क्रिस गेल खेल रहे हैं यहाँ पर। और ये क्या क्रिस गेल भी आउट, ओ यहाँ पर आउट होने पर यहाँ पर अब एक बॉल पे 6 रन चाहिए यहाँ पर, और धोनी आ चुके हैं अब यहाँ पर खेलने के लिए, धोनी आएंगे ज़रूर, देखते हैं क्या होता है। चेन्नई को जीतने के लिए 6 रन चाहिए लास्ट बॉल पर, और ये अगली बॉल विराट कोहली की धोनी के लिए, और धोनी यहाँ पर तैयार है, और ये धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और ये छक्का, क्या बात है, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीत चुकी है। आरसीबी शायद ही इस जन्म में तो जीते, शायद मेरे देखते देखते, तो वैसे बहुत बड़े फ़ैन है आरसीबी के मेरे गांव में, मैं भी हूँ छोटा मोटा तो आरसीबी का फ़ैन, पर पता नहीं कब जीतेगी आरसीबी।